कालेबुङमा जिल्ला सैनिक बोर्ड कार्यालयको उद्घाटन विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. कार्यक्रममा वीर नारी अञ्जली छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने राज्य सैनिक बोर्डका सचिव कर्नल पार्थ भरिक, जिल्लापाल बालसुब्रमण्यम टी, 27 डिभिजनबाट कैलाश खिचर, कर्नल रमेश आले लगायत विभिन्न भूतपूर्व सैनिकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ जिल्ला बनेपछि 27 मार्च 2024 यो भवन आधिकारिक रूपमा मान्य भएको थियो भने यसको पुनरुत्थान गरिएपछि मङ्गलबार यसको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। मुख्य अतिथि अनि जिल्लापालको बाहुलीबाट रिबन काटेपछि यसको कार्यालय आरम्भ गरिएको हो। जिल्ला सैनिक बोर्डका पहिलो सचिवको रूपमा कर्नल दिलराम गुरुङ रहेका छन्। यो कार्यालय मार्फत सेनाका तीनै अङ्गका भूतपूर्व सैनिकहरूले पेन्सन लगायत विभिन्न सहुलियत आदिबारे पहल अनि गुनासो आदिको निवारण गरिने भएको छ। यसभन्दा अघि शाखा कार्यालयको रूपमा काम गर्ने गरिएको थियो भने अन्य काम दार्जिलिङबाट हुने गरेको थियो। कार्यालय सुचारू भएपछि अब विभिन्न सहुलियतहरूको काम गर्न सहज भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सचिव कर्नल दिलराम गुरुङले स्वागत अनि धन्यवाद ज्ञापन गरिएको कार्यक्रममा जिल्लापाल बालसुब्रमण्यम टीले सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारद्वारा सञ्चालित द्वारे सरकार शिविरमा जिल्ला सैनिक बोर्डको अलग्गै व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिने पनि बताएका छन्। यसरी नै राज्य सैनिक बोर्डका सचिव कर्नल पार्थ भरिकले सेनाले विभिन्न आपदाको समय नागरिक र सरकारलाई निस्वार्थ रूपमा सेवा दिइरहेको बताएका छन्। यसरी नै सरकारी योजनाको पनि जिल्ला सैनिक बोर्ड मार्फत सबैले सहयोग र सेवा लिन आह्वान गरेका छन्। हाल जम्मूमा शहीद बनेका जवानहरूको आत्मशान्ति हेतु 1 मिनटको मौन धारण साथ थालनी गरिएको कार्यक्रममा लोक प्रसार प्रकल्पका कलाकारहरूले स्वागत गीत प्रस्तुत गरेका थिए। अतिथिहरूद्वारा नयाँ भवनको निरीक्षण पनि गरिएको थियो। छेत्रीको बाहुलीबाट टुडे मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट एज वी अपग्रेड फ्रॉम द शाखा सोल्जर बोर्ड टू द जिला सैनिक बोर्ड अ चेंज दैट विल ग्रेटली बेनिफिट ऑल एएसएम इन कालिम्पोंग No longer will our ESM will have to travel to Darjeeling for their needs as we aim to provide all necessary facilities and services right here in our district. और आपको ये भी ताजुब होगा कि हमारे एक्सर्विसमैन का आयु जो है 56 age expectancy is 56 to 64 years which is a cause of concern. क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपने स्टेट में वापस आते हैं उनको एक एम्प्टीनेस सा दिखता है, उनको जॉब नहीं मिलता है, जबकि वो बहुत स्किल्ड होते हैं, बहुत ही पेट्रियोटिक होते हैं। कभी भी आपदा होती है, कोई डिजास्टर होता है, आप हर समय देखेंगे एक सर्विसमैन खड़ा होता है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए या कोई भी देश के लिए, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ ट्रेनिंग है 15 साल 20 साल के अंदर उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। आप एक सोल्जर जो खड़ा है या आप जो एक सर्विसमैन है, आप एकदम अलग से हैं, आप अलग हैं। ये बूढ़ा एक सर्विसमैन जो कि कर्नल साहब है, इसमें चेहरा ही अलग है। यही तो मजा है इस देश का कि हमारे जो आर्मी के जो एक सर्विसमैन है बहुत गजब है। वर्ल्ड वाइड हमारे जो वेटरन सेल है इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था जब मैं लंदन में गया था, इसी सरकार के दौरान मैं वहां पे वेटरन सेल के अंदर इंटरेक्शन किया।
और आप समझेंगे कि हमारा जो वेटरन सेल है इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस और इतना पॉपुलेशन है फिर भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत दिक्कतें हैं, हमको लगता है कि सरकार नहीं करती है, पर सरकार के पास भी बहुत चैलेंजेस है। लेकिन सारे सरकार जो है स्किल्ड जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उसको हम किसी तरह से ना किसी तरह से एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में टाइनी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, एक्स वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया, बट नाउ वी हैव गॉट इट द राइट टाइम, नाउ वी हैव टू वर्क फॉर इट एंड वी आर आल्सो ऑलवेज वी आर वेरी थैंकफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू ऑल आवर आर्मी पर्संस, जो भी नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी, वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देयर डेडिकेशन, देयर सैक्रिफाइस, वी ऑलवेज रिमेंबर देम। रिसेंटली कर्नल ब्रजेश थापा, वी रिमेंबर देयर सैक्रिफाइस विद द डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट्स। उसके अलावा फॉर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, नेक्स्ट वी कम टू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट राइटली पॉइंटेड आउट बाय कर्नल सर। एक्चुअली मेनली वी वर्क दिस जिला सैनिक कोड विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस, डेफिनेटली वी वांट टू, बिकॉज आई एम आल्सो पार्ट ऑफ जिला सैनिक कोड एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आल्सो आई विल टेक केयर इन दिस पर्सनली, बिकॉज बीन इन माई अर्लियर प्राइवेट, आई यूज टू वर्क इन प्राइवेट, सो देयर आल्सो वी गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी यूज टू वर्क विद आर्मी वेटरन्स. I used to work with them, so we saw that a lot of talent pool. They have saved a lot of money, which otherwise would have been a cost factor for the private companies. The same thing can be replicated in government also. We were discussing that how to formalize that or how to take it forward. That will be the decision making thing. So apart from that, immediately हम लोग क्या कर सकते हैं? Because हम लोग का जो retired re-engagement है, group C and group B and group C में. Whenever you have some clinical experience, so we are engaging already, a couple of them have engaged and we have still vacancy in our district collectorate, so that I am always be in touch with Gurunji. So that and whatever other opportunities, whenever we get any contractual engagement we can do, that we will always keep you posted. And I will also request him to make a profiling of officers who are retiring. So you can make a profiling. उन लोगों का क्या special talent है, क्या हो सकता है, so with all those details we can make a, at least from our district we can try this piloting model. We will try to have this database so that we can connect with them whenever some opportunity, job opportunities come, so that we will be ensuring that there will be no army person, retired army person without any job or when he is wanting it. So we can try and work it out and locally हम लोग ये कर सकते हैं. This is one thing we wanted to do. Apart from this, even we know how these issues I came to know, because when we were in Bharat Darshan, when IAS training mein Bharat Darshan hota hai, usme almost 60 days we used to travel across the country. Usme to my father's travel was to Arunachal, Valong, Heilong border. So there, that time 28 GR was there. So we had a very detailed discussion. We saw the hardships of them, because the day we went, just the road were cleared for our visit. Otherwise, it was closed for some 3-4 days. Landslides were there, and their rations were very short. In spite of that, in the entire Bharat Darshan, the best food we had, our best hospitality we had was in 2-8 GR. I could not forget it, and we discussed it in detail. So they did not have anything, because even since we were around 18 officers, so other Colonel ji has allowed have just a discussion, and we wanted to know about the, because it was part of our awareness program also, on that, like part of our visit aims, and we were discussing, and many of them are told like this issue, one is job opportunity, post retirement ka job opportunity, and small issues whenever they come for small issues with the district administration or something, land issue, patta change karna, small issues, or somebody who is not serving officers, because they serve in the border, so they should not have any headache back here. So उसी के लिए थोड़ा आप लोग सर, आप तब जाएंगे तो कर लेंगे, जिला सैनिक बोर्ड सर उसमें कर लीजिए. सो दिस वाज अ रिक्वेस्ट, सो ऑलवेज वी कीप दिस इन माइंड, एंड डेफिनेटली दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस, सो वी शुड नॉट अलाउ एनी अदर व्हाट इज इट नेगेटिव थिंग्स, और उन लोगों को दे शुड नॉट हैव एनी वरीज देयर बैक इन द बॉर्डर. सो उसके लिए डेफिनेटली वी विल बी वर्किंग, एंड वी नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फीडबैक, सो दैट वी कैन वर्क ऑन स्पेसिफिक थिंग्स एंड वी कैन एड्रेस द इश्यूज, एंड let us do this, because being even we may be the youngest of the district, but we can try and do some model in this, because always Gorkhas and very very famous for your discipline,
and execution. So we can definitely work on this. So we'll jointly work and we'll start to collect this data and everything, and we'll work on it. So this is our aim right now, and as and when required, whatever the new feedback, latest needs, we'll work out and we'll do. And again, thank you everyone for being here, and let us take the Jilla Sainik Board's work very successful forward. We will be, as a district, we'll be engaging, and even we can try. Even I'm also requesting Garal Sir to take it at the state level. Even we have camps, this is Dwarai Sarkar camp. So instead those camps, and all, we can try to have Jilla Sainik Board ka one representation officially, so that the services can be taken to the people, ex-servicemen there only, like other common public gets. So if my proposal, I'll also formally try to escalate. Upcoming